ट्रिपल जी, सबसे पहले तो आपका नामांकन होने के बाद में पहला और मेन मुख्य कार्यालय की आपने ओपनिंग किया है। हाँ जी, क्या बोले सर? देखिए कैसा है कि मुझे कार्यालय तो इसके पहले ही ओपन करना था, लेकिन हमारे यहाँ कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हमारे चाची का देहांत हो गया, उसके बाद हमारे भतीजी का एक्सीडेंट हो गया, उसका भी देहांत हो चुका है। 31 तारीख को हम फ्री हो गए, 1 तारीख को हमने तैयारी की और आज 2 तारीख को हम इस कार्यालय का उद्घाटन किया हुआ है। सर, सबसे अच्छी बात ये है कि यातायात की अगर बात किया जाए और महाराष्ट्र में नागपुर की जिस बात को लेकर सख्ती थी वो था हेलमेट, yes. वो चिन्ह आपको मिला है। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। हेलमेट सबका चहेता और सबको याद रखने वाला निशान है और उस निशान पर मैं खरा उतरूंगा और लोग मेरे चाहेंगे और उस हेलमेट को इस नागपुर शहर का खासदार के रूप में चुनकर लाएंगे। आप विदर्भ अलग करने की बात करते हैं, अभी आपने जामुंद्रा और घुटे की भी बात किया, अभी आपने उमेश बाबू चौबे जी की भी बात किया, ये दोनों तो नहीं रहे, ध्यान तो गए, लेकिन विदर्भ को लेकर अगर बात करते, आवाज़ उठाते, कहीं ना कहीं नितिन गडकरी बोलते हैं कि विदर्भ मांगोगे तो मैं ठोक दूंगा। देखो, इस देश में लोकतंत्र है, आदमी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि कैसा है कि किसी को आज देश के वरिष्ठ नागरिक को लोग चौकीदार बोल रहे, लेकिन ये विदेशों में ये सब बातें होती नहीं है। हमारे देश में शिक्षित है, पर मैं बोलता सब अशिक्षित है जो ऐसा बोलते हैं। तो अगर उसने भी बोला होगा गडकरी साहब ने, तो भी मैं उसी लेवल में मानता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे, 2014 और 2019 की बात किया जाए इलेक्शन की, तो 19 में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? 19 में तो बहुत बड़ा फर्क नज़र आ रहा है। पहले तो ऐसा वन साइड चुनाव था लास्ट टाइम में, लेकिन इस टाइम में तो लड़ाई है और हमारी लड़ाई सीधा गडकरी और नाना पटोले साहब से है। दोनों में से किसको आप मानते हैं आपके साथ टफ फाइट किसकी है? गडकरी साहब और नाना पटोले और हम तीनों अभी बिल्कुल कंटिन्यू लड़त में हैं और लड़ेंगे हम। थोड़ा सा मामूली अंतर से जीत होगी।